माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करते हैं कैनुलेशन टेक्निक के बारे में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं नीडलिंग टेक्निक के बारे में, यानी नीडल लगाने के तरीके के बारे में। तो टोटल अभी तक तीन तरह की टेक्निक है। एक है रोप लैडर टेक्निक, दूसरी है बटन होल टेक्निक और तीसरी है एरिया पंक्चर टेक्निक। तो एरिया पंक्चर टेक्निक तो वो अभी अलाउ नहीं है, लेकिन आम तौर से लोग एरिया पंक्चर टेक्निक का ही यूज़ करते हैं। अलाउ में सिर्फ रोप लैडर टेक्निक है और बटन होल टेक्निक है। तो देखो, अगर रोप लैडर टेक्निक के बारे में बात करें तो द कैनुलेशन साइट शुड बी एट लीस्ट 5 to 10 mm अवे फ्रॉम द प्रीवियस पंक्चर साइट। इसमें हमें हर बार कैनुलेशन साइट को स्टेप वाइज चेंज करना होता है, यानी हमने जहां पिछली डायलिसिस में नीडल लगाया था उससे हटकर 5 to 10 mm की दूरी पर हमें नीडल लगाना होता है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा हुआ है A1, A2, A3 और फिर लिखा हुआ है V1, V2, V3। तो A का मतलब यहां पर है आर्टेरियल और V का मतलब यहां पर वेनस है। तो इसमें देखिए आप, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर नीडल चेंज हो रही है, यानी कि अगर आज हमने आर्टिकल नीडल A1 पे लगाया था तो वेनस हमने लगाया था V1 पर। नेक्स्ट डायलिसिस पर जब हम नीडल लगाएंगे तो आर्टिकल पर हम लगाएंगे A2 पर और वेनस लगाएंगे V2 पर। उसी तरीके से जब अगली डायलिसिस पे मरीज आएगा तो हम आर्टिकल नीडल लगाएंगे A3 पर और वेनस नीडल लगाएंगे V3 पर। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो पिछला 2 कैनुलेशन हमने किया था या 3 कैनुलेशन किया था हमने, वो कैनुलेशन साइट या पंक्चर साइट वो हील हो जाएगा। हील का मतलब उसका जो ज़ख्म है वो भर जाएगा, तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो एनोरिज्म का फॉर्मेशन नहीं होगा या बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जब एनोरिज्म बन जाता है तो पता ही है कि वहाँ की वेन वीक हो जाती है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बेहतर है कि हमेशा रोप लैडर टेक्निक का ही यूज़ करें। दूसरी टेक्निक है बटन होल टेक्निक। बटन होल टेक्निक का इस्तेमाल हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर मरीज़ का पंक्चर साइट वो लिमिटेड नंबर पर, यानी कि वेन बहुत लंबी नहीं है, वेन छोटी है और बार बार आप साइट को रोटेट नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर बटन होल टेक्निक का हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जिस जगह पर और जिस एंगल से हमने पिछली नीडल लगाई थी, अगली डायलिसिस में भी हम उसी जगह पर और उसी एंगल से हम नीडल को लगाएंगे और ये हम कई बार रिपीट करेंगे। जब कई बार आप रिपीट कर चुके होंगे तो वहाँ पर फिर एक ट्रैक बन जाता है। जब ट्रैक बन जाता है तो फिर नीडल लगने में भी आसानी होती है और वहाँ पर दर्द भी नहीं होता है। इस डायग्राम को आप देखिए, यहाँ पर सिर्फ 2 ही एरिया है, एक आर्टेरियल का एरिया है, दूसरा वेनस का एरिया है। तो जिस जगह पे हमने आर्टेरियल नीडल लगाई थी वहाँ पर हम आर्टेरियल नीडल ही लगाएंगे, जहाँ पर हमने वेनस नीडल को लगाया था वहाँ पर वेनस ही लगाएंगे। हमेशा जो हमारी एंगल है और जो हमारा साइट है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। तीसरा जो टेक्निक है वो है एरिया पंक्चर टेक्निक। एरिया पंक्चर में क्या होता है कि हम एक ही एरिया में 3-4 पॉइंट बना लेते हैं और फिर वहीं पर हम बार बार नीडल को लगाते रहते हैं। अब इससे नुकसान ये होता है कि जिस एरिया में हम बार बार नीडल को लगा रहे हैं वो एरिया वहाँ का वेन का वीक हो जाता है। जब वो एरिया ब्लड वेसल्स वहाँ की वीक हो जाती है तो वो फिर फूलने लगती है, इसी को हम बोलते हैं एनोरिज्म। और जब वो फूलने लगती है तो फिर जब चूँकि वीक भी हो गई है, वहाँ की वेन पतली भी हो गई, तो रप्चर होने का चांस भी रहता है।